हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। सारे उम्मीदवारों ने यहां पर जो है 26 नवंबर को अपनी पेपर सफलतापूर्वक दे चुके हैं KGMU की। साथ ही दोस्तों, उनकी पेपर का लेवल क्या था वो जानने के लिए हमारे चैनल स्टडी जोन / और साथ ही यहां पर ट्विटर पेज स्टडी जोन /SZ पर लगातार दोस्तों यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। और दोस्तों, उनका कहना है कि सर, इस बार पेपर का लेवल क्या था, साथ ही इसकी जो कटअप है वो क्या जाने वाली है, साथ ही जो आप सभी के टॉपिक से उतने उम्मीदवारों ने कितने क्वेश्चन हल कर लिए हैं, और साथ ही जो उसका लेवल था क्वेश्चन वाइज वो क्या था, वो सारी चीज़ जानने को उम्मीदवार यहाँ पर बेताब है। साथ ही इसकी जो कटअप है वो क्या जाएगी, क्योंकि लगातार उम्मीदवारों ने, आप सभी को पता है कि यूट्यूब पर जो कई यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कई यहाँ पर टीचर्स हैं, वो यहाँ पर लाइव उनके पेपर सॉल्व करा रहे हैं, और उन उम्मीदवारों ने वो पेपर भी वहाँ पर सॉल्व कर लिया है। और उन्होंने कैलकुलेट किया है कि सर, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या इस बार हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को विस्तार से आज के बताने वाले हैं। पर दोस्तों, इतने नंबर प्लस हैं तो आप ये कंफर्म मांगेगा, इस बार जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है KGMU निकाला है, वो आप सभी के सिलेक्टेड होने की प्रोसेस पूरे होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके अंदर ओवरऑल क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है उम्मीदवारों के लिए। तो सबसे दोस्तों, आप सभी जिन्होंने KGMU का पेपर दिया है, और जितने दोस्तों 95% उम्मीदवारों ने दिया है, और 5% उम्मीदवारों का यहाँ पर सेंटर डिले होना, या दोस्तों सॉरी डिले दोस्तों यहाँ पर लेट होना, जिसके अंदर 5% उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठ ही नहीं सके हैं। तो यानी कि दोस्तों 100 में से 5% उम्मीदवार तो पहले ही इस वैकेंसी से दोस्तों बाहर हो चुके हैं, उन्हें किसी न किसी कंडीशन के कारण, क्योंकि इतनी देरी से एडमिट कार्ड जारी किया गया, इसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए और उन्हें अपने लोकेशन पर पहुँचने पर कुछ समय लग गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पेपर का जो लेवल था वो गया था, क्योंकि यूट्यूब पर यहाँ पर जो है कई सारे चैनलों द्वारा और टीचरों द्वारा उन पेपर को सॉल्व किया गया है। पेपर का लेवल क्या था दोस्तों, इसमें पेपर के लेवल तो दोस्तों इतने सरल थे कि आप कह नहीं सकते हैं कि कम से कम अगर 100 उम्मीदवारों को इस पेपर में बैठा जा रहा है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर जो है 95% उम्मीदवार जो कह रहे हैं कि यह पेपर बिल्कुल ही सरल था, क्योंकि जिस तरह के मैथ थे, जिस तरह के रीजनिंग थिंग, वो बेसिक चीज़ थी। और वही उम्मीदवार जो कठिन कर रहे हैं, जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट हैं, उन्हें ही यहाँ पर वो पेपर जो है लेवल जो है वो कठिन लग रहा है, क्योंकि बाकी उम्मीदवारों के लिए ये मॉडरेट भी दोस्तों कहना बहुत ही ज़्यादा बेकार होगा, क्योंकि उम्मीदवारों ने बहुत ही आसान पर दोस्तों, बहुत ही आसान यानी कि डाउन टू डाउन एकदम पेपर को यहाँ पर पेपर की लेबलिंग दिया है, उनके क्वेश्चन को दिया है, क्योंकि जिस तरह का पेपर सेट किया गया था उम्मीदवारों के लिए वो बेस्ट था, और जो थोड़ा सा भी अपने लिए यहाँ पर जो हाई करना चाहते हैं वो इस बार इस वैकेंसी के अंदर 100% दोस्तों सेलेक्टेड है, वो यहाँ पर कंफर्म माने। क्योंकि दोस्तों मैंने आंकड़े कराए, जिसमें कि ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों 2000 प्लस हो चुके हैं ट्विटर पर, जिनका यह कहना है कि दोस्तों कम से कम ऐसे उम्मीदवार जो हैं सिर्फ यहाँ पर 10 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कम से कम 10 से 20 वोटिंग है जिनके कठिन हैं। यहाँ पर दोस्तों आसान में दोस्तों 7% है, और दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत आसान में दोस्तों पूरे परसेंट, यानी कि दोस्तों ओवरऑल जितने भी हैं, यानी कि दोस्तों 87-89% ओवरऑल अभी तक की जो परसेंटेज निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, बहुत आसान में। क्योंकि दोस्तों इस पेपर को मॉडरेट लेवल भी कहना बेकार ही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सरल था, और जो उम्मीदवार ने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया है वो इस बार 100% दोस्तों सेलेक्टेड है। उसके लिए बात करेंगे कि लेवल क्या था, सो दोस्तों लेवल क्या, और जो इसकी कटअप है वो कितनी जा सकती है। क्योंकि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है, टफ नहीं होने वाला, हाई प्रेशर लेकर आप सभी को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो इस बार KGMU की जो आप सभी की यहाँ पर जो वैकेंसी है उसमें आप टॉप कर सकते हैं और सेलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि दोस्तों 100% पेपर लेवल ऑफ ओवरऑल एकदम मीडियम, यानी कि दोस्तों बहुत ही सरल था इन चीज़ों को लेकर। अब दोस्तों लगातार उम्मीदवार पूछ रहे हैं कि सर, इसकी आंसर की आ जाती तो फाइनली हो जाता। दोस्तों अभी इस पेपर को CBT मोड में ना कराकर यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर जो है ऑफलाइन मोड में कराया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर जो है CBT की जो आप सभी की प्रोविजनल आंसर की है दोस्तों वो जारी कर दी जाती है। पर दोस्तों ऑफलाइन मोड में
कुछ समय लगता है क्योंकि हाथों की प्रक्रिया से सारे पेपर कैलकुलेट कर फिर उसे अकॉर्डिंग कर वहाँ पर सारे मेजर करने के बाद चेक किए जाएंगे, तब जाकर आप सभी की जो है यहाँ पर जो है आंसर की जारी की जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर एक टाइम देखें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दिसंबर के यहाँ पर जो है 21 से 22 तक जो है आप सभी की ओवरऑल यहाँ पर जो है आंसर की आने की चांसेस दोस्तों बन रही है। उससे पहले दोस्तों चांस नहीं है क्योंकि इतने टाइम तो आप सभी के यहाँ पर जो है प्रोविजल आंसर की आने में दोस्तों लगेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कटअप की। देखिए दोस्तों अभी कटअप की वीडियो बनाना वो बिल्कुल ही यहाँ पर जो है अलग लेवल की होगी क्योंकि अभी तक बहुत सारे उम्मीदवार जो है उस पोलिंग में जुड़े हैं पर उनके तरफ से जो उनके मार्क्स हैं वो कैलकुलेट कर नहीं आ पाए हैं। क्योंकि दोस्तों अभी तक ऐसे उम्मीदवार 200 प्लस भी नहीं हो पाए हैं कि जिनके नंबर हैं, जिनके कैटेगरी हैं वो क्या कैलकुलेट वैसे नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अभी कटअप की रेशू बताना वो बिल्कुल ही अलग है। 2-3-4 दिन के अंदर सारे जो डाटा फिर आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हर एक उम्मीदवार जैसे जैसे अपनी पोलिंग में जुड़ रहा है वैसे वैसे अपने जो है कटअप की रेशू बता रहा है, कोई अपने से कैलकुलेट कर कोई हर चीज़ कर जो बता रहा है। जैसे ही दोस्तों 3 या 4 दिन के अंदर वो सारी डाटा आती है तो आप तभी सबको वो चीज़ ज़रूर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल जो है वो बिल्कुल सही था और जो पेपर था दोस्तों वो एकदम इजी था। अगर दोस्तों वो पेपर के लिए बिल्कुल ही एकदम इजी था और उम्मीदवार इनके लिए बिल्कुल ही जो है पेपर दे के आए हैं, वो ऐसे उम्मीदवार जो है 80% उम्मीदवार इस पेपर से बिल्कुल ही दोस्तों पूरे तरह से खुश हैं, संतुष्ट हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि इस बार हमारा जो है सिलेक्शन होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। बस उन्हें यह करना है, उन्हें यह कन्फर्म करना है कि जो कटअप है वो क्या जाएगी, क्योंकि पेपर ईजी है दोस्तों, एक बार पेपर गिराया गया है, नॉर्मलाइजेशन का इसमें कोई भी झंझट है नहीं। तो इस बार अगर इतने कटअप है तो इस कटअप पर दोस्तों आप सभी सेलेक्ट के लिए एकदम बेफिक्र रहिए और जैसे ही दोस्तों पोलिंग होती है आप सभी के सामने कटअप के भी वीडियो जरूर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक ले दोस्तों जय हिंद। आप जरूर कमेंट करें अपने मार्क्स, अपने यहाँ पर जो है लेवल, पेपर का लेवल क्या था आपके लिए। साथ ही दोस्तों आप अपने कटअप की रेशू जरूर जरूर से जरूर यहाँ पर मेंशन करें, साथ ही उससे पता चलेगा कि आपके अटेम्प्ट कितने थे और जो लेवल है वो कटअप का इस बार क्या जा सकता है दोस्तों। तो हमारे टीम की तरफ से पूरे सहायता, पूरे कैलकुलेशन को कर एक साल दो साल प्रीवियस सालों की भी यहाँ पर कैलकुलेट कर आप सभी के सामने एक बेस्ट ऑफ बेस्ट कटअप की जो मार्किंग है वो यहाँ पर दोस्तों जारी की जाएगी। तो जल्द से दोस्तों कमेंट करें, टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं और जाकर जल्द से जल्द जो है अपने कमेंट करें। तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल आंसर की के लिए 22 दिसंबर से पहले आप सभी की जारी नहीं होने वाली है। जैसे ही इसके बारे में हमारे पास कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।